हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्लास 10 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 7 पेज नंबर 99 नए वाले एनसीईआरटी पर जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्लास 10 के लिए, अब तक हम लोगों ने इसमें दो क्लासेस ले चुके हैं और चैप्टर 7 जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उसमें हमने आपको क्या क्या पढ़ाया है। अब तक हमने आपको बताया है, इंट्रोडक्शन दिया था कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में, फिर डिस्टेंस फॉर्मूला का एप्लीकेशन बताया था, उसके बाद एक्सरसाइज 7.1 के कई सवाल बताए थे। अब हमारे पास जो है, अब हम लोग को चलना है सेक्शन फॉर्मूला की तरफ। ये सेक्शन फॉर्मूला हमारा अगला टारगेट है। एनसीईआरटी बेस्ट हम लोग इस सेक्शन फॉर्मूला को आपको बताएंगे और सेक्शन फॉर्मूला के बाद हम लोग उसके एक्सरसाइज 7.2 में जो भी सवाल होंगे उनको भी बताएंगे। सो बिना टाइम गंवाए हम लोग बढ़ते हैं सेक्शन फॉर्मूला की तरफ। लेट्स मूव। ओके, नाउ सबसे पहली बात कि सेक्शन फॉर्मूला है क्या चीज। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है। ओके, क्वेश्चन अराइजेस दिस। आप पूछेंगे कि सर ये सेक्शन फॉर्मूला क्या है। ये आपके लिए एक नया चीज जरूर है, लेकिन बहुत मुश्किल चीज नहीं है, वेरी सिंपल चीज। सिंपल क्या है कि आपके पास दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, एक पॉइंट ए दिया हुआ है और एक पॉइंट आपके पास बी दिया हुआ है। ओके, मान लीजिए इन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, उदाहरण के तौर पे 1, 2, और इसके कोऑर्डिनेट मान लीजिए कि 7, 7, 4 मान लीजिए। ठीक है, अब आपसे ये कहा जाता है कि पहले तो आप ए बी का लंबाई निकाल लीजिए, मान लीजिए कुछ भी निकल कर आएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला की मदद से आप निकाल सकते थे। अब आपसे कहा जाता है कि इस पर बीच में एक पॉइंट हम लोग पी लेना चाहते हैं। ठीक है, इन ए बी के बीच में एक पॉइंट पी लेना चाहते हैं। कैसा पॉइंट पी लेना चाहते हैं? ऐसा चाहते हैं सच दैट हमारा ए पी बटा बी पी, ओके, ए पी बटा बी पी कुछ डिवाइड हो जाए, इस रेशियो में डिवाइड हो जाए, कुछ भी रेशियो, 1:2, 2:3, 3:4, 5:6, m/n रेशियो में, डिवाइड हो जाए, m/n रेशियो में डिवाइड हो जाए। ये m/n रेशियो हाफ भी हो सकता है, ये हमारा 2/2 भी हो सकता है, 3/2 भी हो सकता है, 5/6 भी हो सकता है, 7/4 भी हो सकता है। मतलब कहना ये चाह रहे हैं हम लोग कि आपके बीच में एक पॉइंट निकालना, ऐसा पॉइंट निकालना है कि इसमें ए और बी के बीच में पॉइंट पी निकालना है, जिसके लिए क्राइटेरिया दिया रहेगा ए पी बटा बी पी कुछ दिया रहेगा। जैसे आप एग्जाम्पल देते हैं, हम आपको मान लीजिए आपका ये एक सर्कल है। ठीक है, सर्कल है। अब सर्कल में आप जानते हैं कि मान लीजिए ये आपका डायमीटर है, सपोज कीजिए ए और बी, आपको ए का कोऑर्डिनेट पता हो, बी का कोऑर्डिनेट पता हो। ठीक है, अब आपके पास ये आपका सेंटर है। ठीक है, सेंटर का कोऑर्डिनेट निकालना। ठीक है, लेकिन आप जानते हैं क्या चीज जानते हैं? आप ये जानते हैं कि सेंटर जो होता है, सेंटर ऑफ सर्कल इज मिडिल पॉइंट ऑफ डायमीटर। ठीक है, डायमीटर का मिडिल पॉइंट है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ए सी डिवाइडेड बाई बी सी इज इक्वल टू 1:1, 1:1, समझ रहे हैं, 1:1। यानी कि पी क्या बन गया? पी हमारा मिडिल पॉइंट बन गया। टी क्या बन गया? मिडिल पॉइंट बन गया। सी हमारा मिडिल पॉइंट यहाँ पे हो गया, ए बी के बीच में ये सी हमारा मिडिल पॉइंट है। तो हमको कहा जा रहा है कि आप एक ऐसा पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट बताइए। ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, जो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट है। अब आपको कहा जाए सी का कोऑर्डिनेट बताइए किस रेशियो में, ताकि ए सी डिवाइडेड बाई बी सी इक्वल टू 1:1। यही सेक्शन फॉर्मूला का काम है कि सेक्शन फॉर्मूला बताएगा बीच वाले पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे जब आपका एसी डिवाइडेड बाय बीसी का रेशियो दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो अब हम आपको डायरेक्टली उस सेक्शन फॉर्मूला की तरफ लेके चलते हैं
मैंने आपको बताया कि सेक्शन फॉर्मूला बहुत ही इजी और बहुत ही आसान चीज होता है। एक दो सवाल आप बनाएंगे ना, यू गेट कॉन्फिडेंस, ऐसा आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, अब तो मैं कोई भी सवाल बना सकता हूँ। तो सबसे पहले अब हम लोग ले चलते हैं आपको सेक्शन फॉर्मूला का, जो फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है, क्या फॉर्मूला होता है, उसके तरफ लेके चलते हैं। ओके, सी हियर, हम आपको पहले तो कहेंगे कि जो हम आपको बता रहे हैं उसको आप याद कर लीजिए। क्या कर रहा हूं मैं, ये दो पॉइंट्स है, ए है और बी। ए का कोऑर्डिनेट है x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट है x2 y2, और आपसे कहा जाता है कि बीच में एक पॉइंट पी लीजिए जिसका कोऑर्डिनेट हो x, y, जिसको आपको निकालना है, और सच दैट AP डिवाइडेड बाय BP इज इक्वल टू m इज टू n। ओके, ये m by n रेशियो में, मतलब 1:1, 2:3, 5:6 ये दिया हुआ रहेगा। तो अब हमको ये कहा जा रहा है कि A से लेके P तक की दूरी डिवाइडेड बाय P से लेके B तक की दूरी, इनका रेशियो जो है m:n रेशियो है। ठीक है, क्या है, m:n रेशियो है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले कि आपको इस P का कोऑर्डिनेट यानी x y निकालना है, जबकि A का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, B का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ये रेशियो दिए हुए हैं। इसकी मदद से अब आपको पहले मैं क्या कर रहा हूँ कि आप पहले फॉर्मूला जो मैं बता रहा हूँ उसको याद कर लीजिए, उसका प्रूफ मैं दिखाऊंगा। वेरी सिंपल प्रूफ है, बहुत ही सिंपल प्रूफ है, लेकिन पहले उस फॉर्मूला को याद कीजिए। फॉर्मूला ये है कि ये एक्स आपको निकालना है, ठीक है, पी का एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है। तो पी का एक्स कोऑर्डिनेट निकालने का तरीका है, क्या तरीका है, बहुत सिंपल तरीका है, उसको याद रखना है आपको। आपको क्या करना है, इस m को ले आके इससे गुणा करना है, इस n को ले आके इससे गुणा करना है, समझ गए। तो क्या लिखेंगे, m मल्टीप्लाइड बाई एक्स टू प्लस, ये n को x1 से गुणा करेंगे, n मल्टीप्लाइड बाई एक्स वन डिवाइडेड बाई m प्लस n। ओके, ये हमारा x के लिए फॉर्मूला होगा, का एक्स कोऑर्डिनेट निकालने का उपयोग। उसी तरह वाई कोऑर्डिनेट अगर निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे, यहाँ का वाई कोऑर्डिनेट अगर निकालना चाहते हैं तो वाई विल बी इक्वल टू, इस एम को आप गुना करेंगे इनसे और इस एन को गुना करेंगे आप इनसे। ओके, तो ये हो जाएगा एम, ये एम मल्टीप्लाइड बाई वाई टू प्लस एन मल्टीप्लाइड बाई वाई वन डिवाइडेड बाई m प्लस n। ओके, सो ये हमारा फॉर्मूला हुआ, इसको मैं आपको बोल रहा हूं सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, इस पूरे एक्सरसाइज के लिए, एक्सरसाइज 7.1 के लिए ये फॉर्मूला अपने आप में सीख सकते, क्या x इज इक्वल टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन डिवाइडेड बाई एम प्लस n। कब, यहाँ a और b दिया हुआ है, उसके बीच में इंटरनली एक पॉइंट p दिया हुआ है, पॉइंट पी इंटरनली होना चाहिए, इनके बीच में होना चाहिए, और ये ए पी डिवाइडेड बाई पी वी इज इक्वल टू एन इज टू एन रेशियो में होना चाहिए। तो हम इसको जो है, अब आपके सामने जो है ये एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स को, जो पी का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है, ये सेक्शन फार्मूला हमने रख दिया है। ये सेक्शन फार्मूला का प्रूफ भी हम आपको दिखाएंगे, बहुत ही सिंपल प्रूफ है, बट मैं ये चाहता हूँ उसके हम लोग प्रूफ पे चलें, उससे पहले इस फॉर्मूला की मदद से हम लोग देखें कि हम लोग आगे क्या क्या चीज कर सकते हैं। ओके, फॉर्मूला का प्रूफ बहुत मुश्किल नहीं है, अगर आप चाहते हैं तो मैं तुरंत ही फॉर्मूला का प्रूफ दिखा दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि फॉर्मूला का प्रूफ पे आप ना जाएं, फॉर्मूला का प्रूफ मैं दिखाऊंगा आपको, इसी लेक्चर में दिखाऊंगा, इसी क्लास में दिखाऊंगा, बट बिफोर दैट वी वॉन्ट टू हम लोग इसके एप्लीकेशन को देखें। इसके एप्लीकेशन देखने के लिए मैं आपको क्या कहता हूँ, आप डायरेक्टली चैप्टर्स पे चलिए, ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चंस पे चलिए, मैं क्वेश्चंस की तरफ लेके आता हूँ और आपको बताता हूँ कि कैसे हम लोग इसको यूज कर सकते हैं।
नहीं, मैं आपको जस्ट एक्सरसाइज 7.2 पर लेकर आया हूं। एक्सरसाइज 7.2 पे इसके कोई भी क्वेश्चंस 1 to 10, 1, 2, 3, 4, 5, 10 तक के सवाल, कोई भी ऐसा सवाल नहीं होगा जो इस फॉर्मूला पर नहीं बने। ठीक है, इस फॉर्मूला पर नहीं बने, कोई भी ऐसा सवाल नहीं होगा। तो पहला सवाल को हम लोग यहाँ पे टेकअप करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन, पहला ही क्वेश्चन को हम आपके सामने टेकअप कर रहे हैं। पहला सवाल, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ दिस एंड दिस इन द रेशियो 2:3। ठीक है, एग्जैक्टली उसी तरह हम लोग सवाल पर आ गए। सवाल यहाँ पे कह रहा है कि ये एक ए पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है -1, 7, एक बी पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है 4, -3, और इसको कहा कि आप इसको ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, इनको ज्वाइन कर दिया, तो ये दो पॉइंट्स हो गए। अब कह रहा है कि एक ऐसे पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालिए विच डिवाइड्स, जो इसको अब एक पीछे एक पॉइंट पी ले लिया, इसका कोऑर्डिनेट x, y है, और कहा जा रहा है कि ये x, y किस रेशियो में, AP और BP को, AP डिवाइडेड बाई BP 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, 2:3 रेशियो में, मतलब अगर इसकी जितनी लंबाई है, जस्ट यहाँ पे लंबाई अगर 2x है तो ये लंबाई 3x है, 2k है तो ये 3k है, 2:3 में AP की लंबाई डिवाइडेड बाई BP की लंबाई इज इक्वल टू 2:3 है। ठीक है, तो आपसे कहा जा रहा है कि अब आप बताइए कि इस पी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, xy क्या होगा। मैंने यही बताया था आपको, मैंने क्या बताया आपको कि आप क्या कीजिए, सिंपल टेक्निक्स को यूज कीजिए। इस 2 को लाके मल्टीप्लाई कीजिए इससे, इस 3 को लाके मल्टीप्लाई कीजिए इससे। ठीक है, तो x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, x कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू दिस x, ओके, दिस x इज इक्वल टू 2 को मल्टीप्लाई करते 4 से, 2 × 4, ये हमारा m था, ये n था, प्लस इस 3 को मल्टीप्लाई करते हैं इससे, 3 × -1 डिवाइडेड बाई m + n, 2 + 3, तो कितना हो गया, 8 − 3, 5 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 1। x कोऑर्डिनेट हमारा निकल कर आ गया सिंपली 1। ठीक है, कितना आसान है। उसी तरह अब आप इस y कोऑर्डिनेट को निकालना चाहते हैं, क्या कीजिए, ये जो 2 है इसको मल्टीप्लाई कीजिए इनसे, इस 3 को मल्टीप्लाई कीजिए इनसे, तो हम लोग क्या लिखेंगे, y कोऑर्डिनेट विल बी इक्वल टू 2 × -3 प्लस 3 × 7, ये 3 × 7 डिवाइडेड बाई 2 + 3, कितना हुआ, -6 + 21, 15 डिवाइडेड बाई 5, दैट इज 3। तो ये कोऑर्डिनेट हो गया, दिस इज y 3। तो अब आपके पास पता चल गया, यानी कि इसका आंसर क्या आया, इस सवाल का जो आंसर आया सिंपली वो पॉइंट है मेरा 1, 3। कितना आसान है, मैंने बोला था ना कि जो डिसेक्शन फॉर्मूला हमने आपको बताया है बहुत ही सिंपल है। आपको थोड़ा सा बस याद रखना है कि m को इधर गुना करना है, n को इधर गुना करना है। ठीक है, m² होगा तो m को इधर, n को इधर, और डिवाइडेड बाई m + n कर देंगे। तो यहाँ मतलब इसको यहाँ से मल्टीप्लाई किए, 3 को इधर मल्टीप्लाई किए, डिवाइडेड बाई 2 + 3 कर दी, सिंपली हमें बीच का कोऑर्डिनेट निकल गया। तो ये पहला पॉइंट्स आपको, पहला क्वेश्चंस जो है वेरी सिंपल तरीके से हमने आपको, ठीक है। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही आसान लगा होगा, ये सेक्शन फार्मूला भी बहुत आसान लगा होगा, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की जरूरत है।
जैसे आप प्रैक्टिस करने लगेंगे बहुत ही आसान हो जाएगा। अब हम आपको जो है ले चलते हैं सेक्शन फॉर्मूला के अब अगले सवाल की तरफ लेके चलते हैं कि देखिए अगला सवाल कैसे बनता है। अगला सवाल पे चलें, उससे पहले हम लोग यहाँ पे जो भी रफ कुछ किया गया था उस रफ को हम लोग इरेज कर देते हैं। तो इस रफ को हम लोग इरेज कर रहे हैं। आ जाइए यहाँ पर के हम लोग इसी में हम आपको एक हल्का सा एक थ्योरी भी बताते हैं और उसी थ्योरी के मदद से फिर हम लोग आगे भी प्रोसीड करेंगे। ओके सो मान लीजिए कि हमारा ये ए पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1 और ये मेरा बी कोऑर्डिनेट है जिसका बी का पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है x2, y2। ओके एंड हमने इसको ज्वाइन कर दिया। कोई हमको कहता है कि बीच में एक पॉइंट पी है जिसका कोऑर्डिनेट x, y है और कहता है कि x, y क्या होगा सच दैट ए पी डिवाइडेड बाई बी पी इज इक्वल टू 1:1। मतलब ये 1:1 का मतलब पी जो है मेरा मिडिल पॉइंट है। पी क्या है? पी इज मिडिल पॉइंट। तो अब हमको कहा जाता है कि मिडिल पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल कर दिखाइए। तो अगर मिडिल पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए कहा जा रहा है तो अब हम लोग देखते हैं कि मिडिल पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे निकलता है। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको यहाँ पे सिंपली करना ये है कि इस वन को मल्टीप्लाई करना है इनसे, इस वन को मल्टीप्लाई करना है इनसे। तो यहाँ पर अब हम लोग आ जाते हैं कि हमारे पास एक्स इज इक्वल टू दिस x is equal to 1 multiplied by this. So 1 multiplied by x1 plus 1 multiplied by x2 divided by this 1 plus 1. So this is nothing but x1 plus x2 divided by 2. यहाँ पे x का ये वैल्यू आया, उसी तरह हमारे पास y का वैल्यू भी y1 plus y2 divided by 2. ये क्या है? दिस इज मिडिल पॉइंट। मिडिल पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है, ए बी का मिडिल पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने का चक्कर। सिंपली यहाँ का कोऑर्डिनेट प्लस यहाँ का कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाई टू, यहाँ y1 plus y2 डिवाइडेड बाई टू। और हम लोग यूज क्या कर रहे हैं? सेक्शन फार्मूला n का 1:1 रेशियो है, क्योंकि अगर ये मिडिल पॉइंट है तो दिस डिवाइडेड बाई दिस इक्वल हो जाएगा। तो मिडिल पॉइंट अगर P है तो P अगर मिडिल पॉइंट है तो हम लोग इस तरह से सिंपली निकाल सकते हैं। क्या चीज़ का यूज किया गया? सेक्शन फार्मूला का यूज किया गया। तो अब अगर हम लोग इस पे देखते हैं तो हम लोग इसी चीज को बढ़ाते हुए अब आपको बताते हैं कि देखिए सेक्शन फार्मूला में जहाँ पे हम लोग मिडिल पॉइंट कंसेप्ट को यूज कर रहे थे उस कंसेप्ट से कैसे सवाल बनते हैं। देखिए अगला सवाल हम आपको बता रहे हैं। लेट्स सी जो है अदर क्वेश्चंस इन फ्रंट ऑफ यू, फिर हम लोग सभी सवाल को बताएंगे। Let us see this one. ये वाला दिख रहा है आपको? यहाँ देखिए, अब आपके पास मैं लेकर आता हूँ क्वेश्चन नंबर 7। क्या क्वेश्चन है? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए वेयर ए बी इज डायमीटर ऑफ सर्कल हूज सेंटर इज This and B is this, ठीक है। क्या कह रहा है ये? ये कह रहा है आपके पास के यहां पर कह रहा है यहां पर कि आपके पास एक सर्कल है और AB जो है डायमीटर है A, ठीक है, यही था।
AB is diameter of circle. Center is this and B is this. सेंटर का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है. कितना दिया हुआ है? सेंटर का कोऑर्डिनेट है आपके पास 2 माइनस 3. सेंटर का कोऑर्डिनेट है 2 माइनस 3 और बी का कोऑर्डिनेट है 1.4. ठीक है, अब आपको ए का कोऑर्डिनेट कहा जाता है निकालिए. मान लीजिए ए का कोऑर्डिनेट है x, y. मान लीजिए तो हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग ये जानते हैं ना कि सेंटर क्या होता है, मिडिल पॉइंट. सेंटर क्या है? मिडिल पॉइंट. ये 1:1 रेशियो में डिवाइड करता है यहाँ डायमीटर को. तो आप कह सकते हैं ना कि ये दो क्या होगा, x2 is equal to this x plus 1. सो x plus 1 by 2. ये माइनस तीन क्या होगा, -3 is equal to this y plus 4 by 2. हम लोग तो यही बोलोगे ना, बीच वाला जो कोऑर्डिनेट होगा ना, this plus this by 2 y कोऑर्डिनेट this plus this by 2, क्योंकि हमारा बाइफरकेशन फार्मूला बोलता था इसको ऐसे गुना करना है, ऐसे गुना करना है, तो ये वाला चीज निकलता है. क्या आप यहाँ से नहीं निकाल सकते कि x का वैल्यू क्या आएगा? यू विल फाइंड x इज इक्वल टू This is 3 and y is equal to this is -10. तो अब यहाँ का कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गया कितना आया, 3, -3. अब सोचिए ना, 3 है यहाँ पे, 1 है, 3 × 1 = 4/2 हो गया, -10, 4 जोड़ेंगे -6 होगा, -3 हो गया. तो ये देखिए सवाल कितना इजी बने पड़े. ठीक है, अब सिंपली हम लोगों ने क्या कंसेप्ट यूज किया, सिंपली कंसेप्ट ये यूज किया कि ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और यहाँ पे सी उसका मिडिल पॉइंट है, मतलब ये इक्वल रेशियो में बांट रहा है. तो यहाँ का जो कोऑर्डिनेट होगा एक्स वाई, सिंपली दिस कोऑर्डिनेट विल बी इक्वल टू, यहाँ का कोऑर्डिनेट अगर x1 y1 है और यहाँ का कोऑर्डिनेट अगर x2 y2 है, तो एक्स विल बी इक्वल टू x1 plus x2 by 2, वाई विल बी इक्वल टू y1 plus y2 by 2. ठीक है, यही कॉन्सेप्ट हम लोग यूज कर रहे हैं. तो इस तरह से आपके 7.2 एक्सरसाइज का एक और सवाल के सामने एकदम हंसते चलते इजी वे में बन गया. चलिए फिर हम लोग और सवाल की तरफ चलते हैं. लेट्स सी दिस सवाल, ये 7 नंबर सवाल तो आपके सामने हो गया. ओके, 7 नंबर तो हो गया बहुत आसानी से. अब आइए, एक ये है क्वेश्चन नंबर 6. इफ 1, 2, 4, y, x, 6, 3, 5 आर वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर. ठीक है, क्या कहा जा रहा है कि ये हमारे पैरेललोग्राम समानांतर चतुर्भुज के वर्टिसेस हैं, सिर्फ हैं. इन द सेंस क्या कह रहे हैं, हम आपको ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है, नंबर 6 ए 1, 2 बी 4y सी x6 और डी 3, 5. ये है मेरा 3, 5. कहा क्या जा रहा है कि ये ए बी सी डी, ये जो 4 पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं यहाँ पर 1, 2, 4, y, x, 6 and 3, 5, दीज आर वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम, यानी कि ये है आपको इस टाइप से, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी. ए का कोऑर्डिनेट है 1, 2, बी का कोऑर्डिनेट है 4, y,
सी का कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा सिक्स और डी का कोऑर्डिनेट है 3.5। ठीक है, तो ये हमारा पैरेललोग्राम है। ठीक है, ये है पैरेललोग्राम। अब आप बताइए कि पैरेललोग्राम के लिए आपने क्या क्या चीज पढ़ा है, पैरेललोग्राम में क्या शर्त होता है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा पैरेललोग्राम। समानांतर चतुर्भुज ये तो हमने पढ़ा ही था, तो हम पढ़े थे कि ये इसके बराबर होता है, ये इसके बराबर होता है। और एक चीज और पढ़े थे हम लोग कि इनके जो डायगोनल्स है ना, ये जो डायगोनल है ये आपस में इंटरसेक्ट कर जाते हैं इस जगह पे। दिस विल बी इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, डायगोनल आपस में इंटरसेक्ट करते हैं एक पॉइंट पर, और जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं तो ये एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। व्हाट वी से इज दैट अगर हम लोग यहां चलते हैं जैसे ऐसे देखिए, यस, तो ये एक डायगोनल हुआ और एक डायगोनल ये हुई। ठीक है, ये दोनों डायगोनल यहां पे मिल रहे हैं ना, ये लोग कर क्या रहे हैं, ये डायगोनल आपस में कर ये रहे हैं कि ये इसको डिवाइड कर दे रहे हैं तो ये बराबर हो जा रहे हैं। यानी कि अगर ये पॉइंट को अगर हम लोग ओ बोल देते हैं, AO इज इक्वल टू CO, उसी तरह से आपके पास ये हो रहा है कि दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, DO इज इक्वल टू DO, यानी O क्या बना, O हमारा यहाँ पर मिडिल पॉइंट बन गया है। O हमारा क्या बना है, O हमारा मिडिल पॉइंट बन गया है। O हैज बिकम मिडिल पॉइंट, O इज मिडिल पॉइंट, मिडिल पॉइंट ऑफ एसी एंड डीडी, ये दोनों डायगोनल का ये मिडिल पॉइंट बन गया। ठीक है, इसी कंसेप्ट की यूज करेंगे। मिडिल पॉइंट है तो क्या करता होगा भाई, अब आइए, अगर मिडिल पॉइंट है तो अब हम लोग यहां चलते हैं। अगर बीडी का मिडिल पॉइंट क्या होगा, मिडिल पॉइंट या मिड पॉइंट ऑफ बीडी, इनका कोऑर्डिनेट निकालना है। क्या होगा भाई, ये बीडी है, इसका मिडिल पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना, 4 + 3/2, 4 + 3/2, y + 5/2। ठीक है, ये मिडिल पॉइंट ऑफ बीडी हो गया। सिमिलरली अगर हम लोग कहें कि मिडिल पॉइंट ऑफ एसी निकालना चाहते हैं, ठीक है, मिडिल पॉइंट ऑफ एसी निकालना चाहते हैं, मिडिल पॉइंट ऑफ पॉइंट ऑफ एसी, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 1 + x/2 कॉमा 2 + 6/2। ठीक है, और दोनों का मिडिल पॉइंट क्या है भाई, दोनों का मिडिल पॉइंट तो ओ ही है। इफ यू सी दिस वन, ओ इज मिडिल पॉइंट ऑफ एसी एंड बीडी, वो दोनों का मिडिल पॉइंट है। अगर वो दोनों का मिडिल पॉइंट है तो मिडिल पॉइंट का दो कोऑर्डिनेट कैसे हो सकता है, ये है और ये है। इसका मतलब ये है कि ये चीज आपस में इक्वल है और ये चीज आपस में इक्वल, समझ रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग को क्या पता चलता है, इस तरह से हम लोग को पता ये चल रहा है कि 4 + 3/2 is equal to 1 + x/2, x is equal to 6, और यहाँ पे y + 5/2 is equal to 2 + 6/2,
वाई इज इक्वल टू, तो यही आंसर हो गया। कितना आसान है मिडिल पॉइंट कंसेप्ट यूज किया, बाइसेक्शन फॉर्मूला के मिडिल पॉइंट कंसेप्ट को यूज किया गया और ये सवाल बन गया। तो बहुत मुश्किल तो नहीं है, वेरी सिंपल। ऐसे आपके बहुत सारे सवाल मिलेंगे जहाँ पे इस टाइप की चीजें हम लोग बाइसेक्शन फार्मूला को यूज कर रहे हैं। बाइसेक्शन फार्मूला में जहाँ पे दो पॉइंट्स के बीच में एक ऐसा, दो पॉइंट मतलब एक लाइन बना, उसके पॉइंट बीच में एक ऐसा पॉइंट है जो मिडिल पॉइंट है, दिस प्लस दिस बाई टू। तो यहाँ पे पैरेललोग्राम में ये दूरी होती है और हम लोग जानते हैं, इसलिए हमने ये सवाल को बना लिया, वेरी सिंपल है। अब अगले सवाल की तरफ चलिए, ठीक है। कुछ और सवाल को मैं आपको दिखाता हूँ जो आपके बाइसेक्शन, ये सेक्शन फार्मूलाज की मदद से सॉल्व होंगे। यस, मैं अभी तक आपको सेक्शन फार्मूला का प्रूफ भी नहीं बताऊँ, वो भी बताऊंगा, बहुत बहुत सिंपल है, बट मैं अप्लीकेशन पार्ट में आपको दिखा रहा था, ठीक है। वापस आते हैं, वापस आ गए हम लोग इसी सवाल पे, ठीक है। जो कुछ भी लिखा था हम लोगों ने, अब उसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। अगर आप देखेंगे तो हमने आपको इस एक्सरसाइज में, इस एक्सरसाइज में हमने आपको सवाल जो बनाए हैं वो एक सवाल ये बताया आपको, पहला सवाल। उसके बाद हमने आपको एक सवाल जो है ये छठा बता दिया, एक सवाल मैंने आपको सातवां, और भी सवाल हैं, अभी सवाल दिखाता हूँ कैसे बनेगा, वेरी सिंपल टेक्निक है। नाउ क्वेश्चन नंबर टू की तरफ, क्वेश्चन नंबर टू जो आपका एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 7.2 में क्वेश्चन क्या कर रहा है, आपके पास एक पॉइंट है, वो पॉइंट है सिंपली ए, और ये पॉइंट है आपके पास 4, -1, और एक पॉइंट है बी -2, -3। इन पॉइंट्स को आपने ज्वाइन कर दी, तो ज्वाइन कर दिया गया इन पॉइंट, ठीक है। इस पॉइंट को जब हमने ज्वाइन कर दिया तो कहा ये जा रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस। हमको कहा जा रहा है कि कोऑर्डिनेट्स निकालिए वैसे पॉइंट्स को जो इस लाइन को तीन भाग में बांटता हो, जैसे एक इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालिए, एक इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालिए, मान लीजिए ये पी पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट है। कहा यह जा रहा है कि इनके आप कोऑर्डिनेट्स निकालिए ताकि ट्राइसेक्शन, यहां पे लिखा हुआ है ट्राइसेक्शन, यानी कि एपी रेशियो पीक्यू रेशियो क्यूबी, ठीक है, दिस इज 1:1:1, मतलब यहां पे एपी पीक्यू के बराबर, पीक्यू क्यूबी के बराबर, ऐसे तीन पॉइंट्स हमारे, दो पॉइंट्स पी एंड क्यू पे कोऑर्डिनेट निकालने। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि बहुत ही सिंपल टेक्निक्स है, लेट अस सी हम लोग कैसे इसको प्रोसीड करें, ठीक है। देखिए सवाल को देखिए कि कितने सिंपल तरीके से हम लोग इसको बनाएंगे। मान लीजिए यहाँ का कोऑर्डिनेट आप फिलहाल एक्स कॉमा वाई मान लीजिए, अभी हम क्यू पे ध्यान नहीं डालते, छोड़ दीजिए क्यू के बारे में। तो आप क्या कह सकते हैं कि ए पी डिवाइडेड बाई पी बी इज इक्वल टू 1/2, मतलब यहाँ से इतनी जो दूरी है और यहाँ से ये जो दूरी है, ये दूरी डबल है, ये दूरी यानी कि यहाँ पे 1:2 के रेशियो में बट रहा है, क्या बट रहा है, 1:2 के रेशियो। तो अब आपको ये x निकालना है, तो दिस x इज इक्वल टू क्या करना है, इस 2 को इधर गुना करना है, इस 1 को इधर गुना करना है, 1:-2 + 2:4 /
वन प्लस टू, ठीक है, ये एक्स का मान निकल जाएगा, कितना होगा, आठ में से दो गया छः, छः बटा तीन, इसे सिंपली ठीक है, आठ माइनस दो छः, छः बटा तीन दो हो गए। उसी तरह वाई कोऑर्डिनेट, यहाँ का वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए इस दो को आप गुना कीजिए इससे, इस वन को आप गुना कीजिए इनसे, यानी कि वन इंटू माइनस थ्री प्लस टू इंटू माइनस वन डिवाइडेड बाई वन प्लस टू, यानी कि माइनस तीन और ये दिस इज वन इंटू माइनस थ्री टू इंटू माइनस वन, माइनस तीन और दो ये माइनस पाँच, माइनस फाइव बाई थ्री, ठीक है, दिस इज माइनस फाइव बाई थ्री। तो यहाँ का कोऑर्डिनेट निकल कर आ गया, अब हमारे पास ये निकल कर आ गया टू कॉमा माइनस फाइव बाई थ्री, माइनस फाइव बाई थ्री, ओके, बहुत ही सिंपल तरीके से निकाल दिए। अब हम लोग को क्या करना है, अब हमने तो पी का कोऑर्डिनेट निकाल दिया, अब आपसे कहा जाता है कि अब आप क्यू का कोऑर्डिनेट भी निकालिए, ठीक है, तो हम इसको इधर लाते हैं, ठीक है, देखिए इसको ध्यान से देखिए, और ये चीज अब हम बताना ये चाह रहे हैं कि राइट पे आइए, सी हियर, अब आपके पास पी मिला हुआ है, पी का कोऑर्डिनेट आपने निकाल लिया है, क्यू का कोऑर्डिनेट आपको निकालना है, B का कोऑर्डिनेट आपको पता है, ठीक है, B का कोऑर्डिनेट कितना है, माइनस टू कॉमा माइनस थ्री, सी का कोऑर्डिनेट तो हम लोगों ने निकाल लिया टू कॉमा माइनस फाइव बाई थ्री, एंड Q का कोऑर्डिनेट अब मुझे नहीं पता है, तो आप इसका कोऑर्डिनेट करके नाम दे दीजिए, क्या कीजिए, कैपिटल X कॉमा कैपिटल Y कर दीजिए। लेकिन आप क्या जान रहे हैं, क्या इस चीज को आप नहीं जान रहे हैं कि E से Q की दूरी, Q से B की दूरी बराबर है, दिस इज इक्वल है, E से Q की दूरी और Q से B की दूरी बराबर है, क्या मतलब है, मतलब है Q इज मिडिल पॉइंट, Q इज मिडिल पॉइंट ऑफ PB, ओके, इसलिए X इज इक्वल टू ये X, दिस प्लस दिस बाई टू, टू प्लस माइनस टू बाई टू, दिस इज जीरो, एंड Y इज इक्वल टू दिस Y, दिस प्लस दिस बाई टू, यानी कि माइनस फाइव बाई थ्री प्लस ये माइनस थ्री बाई टू, यानी कितना हो गया, ये दे रहा हूँ पाँच चौदह, दिस इज माइनस सेवन बाई थ्री, ओके, तो इस तरह से अब आपके पास क्यू का कोऑर्डिनेट्स निकल कर आया, दिस इज जीरो कॉमा माइनस सेवन बाई थ्री, ओके, तो ये टेक्निक्स है आपको, आपके अगर ट्राई सेक्शंस वाले क्वेश्चन नंबर टू का हम बता रहे थे, एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर टू हमने बताया, जिसमें आपको ये पॉइंट्स पी एंड क्यू निकालने का टेक्निक बताया, जहां पे ये ट्राई सेक्शंस हो रहा है, अगर पूछा जाए फाइंड द पॉइंट्स ऑन दीज टू लाइंस, फाइंड द पॉइंट्स, एंड दो पॉइंट्स के बारे में पूछा जा रहा है, तो इस ट्राई सेक्ट द योर लाइन, तो जहां पे ट्राई सेक्शंस की बात होगी, सो वहां पर आप इस टेक्निक से बढ़ेंगे जो अभी मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर ये जो है ये है ट्राई सेक्शंस की बात की जा रही है, ओके, सिंपली ये ट्राई सेक्शंस की बात की जा रही है, ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट, ट्राई सेक्शन के लिए आपको समझा दिया मैंने, क्या समझाया कि आपका ये एक पॉइंट है, एक पॉइंट दो है, ये दोनों पॉइंट हो गए, अब यहाँ पे P मान लीजिए, यहाँ पे Q मान लीजिए, पहले P निकालिए वन इज टू टू रेशियो के हिसाब से, ठीक है, और जब आपका यहाँ पे P पॉइंट्स आप निकाल लेंगे, तब आप P पता है, आपको B पता है, Q निकालना है, तो सिंपली ये वन इज टू वन मिडिल पॉइंट के कंसेप्ट से निकाल लेंगे। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर टू भी हमने बता दिया, वन टू सिक्स सेवन, ठीक है। अब आप चलिए आगे क्वेश्चंस नंबर मैं आपको लेकर आता हूँ समझाने के लिए, लेट अस सपोज क्वेश्चन नंबर फाइव की तरफ चलिए, ओके,
क्वेश्चन नंबर फाइव की तरफ अब हम लोग मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव, फाइव नंबर सवाल क्या कहते हैं आपको? क्वेश्चन नंबर फाइव, फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट दिस एंड दिस डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। कहना ये चाह रहा है कि पहले आपका ये एक एक्स एक्सिस है, ठीक है, एक्स एक्सिस, और ये दो पॉइंट्स है आपके पास। एक पॉइंट है ए, वन कॉमा माइनस फाइव, वन कॉमा माइनस फाइव एक पॉइंट यहाँ है, वन कॉमा माइनस फाइव ये ए पॉइंट है। एक पॉइंट है आपका बी, माइनस फोर कॉमा फाइव, ठीक है, ये है माइनस फोर कॉमा फाइव, ये कहीं पर पॉइंट आपका यहाँ है बी, माइनस फोर कॉमा फाइव ये, और ये पॉइंट, ये इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है, ये ए से बी को हमने ज्वाइन करा दिया। अब क्वेश्चन कहता है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए बी, ए बी इज डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस ने इसको किस रेशियो में बांटा, मान लीजिए कि एम इज टू एन रेशियो में बांट दिया, ठीक है, एम इज टू एन रेशियो में ये एम इज टू एन रेशियो में डिवाइड किया है, ठीक है। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि एक्स एक्सिस पर कोऑर्डिनेट होता है, कोई भी कोऑर्डिनेट होता है तो वो एक्स कॉमा जीरो होता है, यानी कि उसका वाई कोऑर्डिनेट कितना होता है, वाई कोऑर्डिनेट हमेशा जीरो होता है, ये आप जानते हैं क्लियरली। तो अगर ये एक्स और यहाँ पे हमारा ये जीरो है तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, लेट अस सी हम लोग क्या करेंगे। मान लीजिए कि हम लोग क्या लिखेंगे, दिस इज एक्स इज इक्वल टू, इस एम को गुना करेंगे इससे, इस एन को गुना करेंगे इससे, ठीक है, हम लोग लिखेंगे माइनस फोर इंटू एम प्लस एन इंटू वन, एन इंटू वन डिवाइडेड बाय एम प्लस एन, और y कोऑर्डिनेट कितना है, y कोऑर्डिनेट जीरो है, तो जीरो इज इक्वल टू m इज टू फाइव, m इज टू फाइव प्लस n इंटू माइनस फाइव, n इंटू माइनस फाइव डिवाइडेड बाय m प्लस n, देख रहे हैं, जीरो इज इक्वल टू m इंटू फाइव, n इंटू माइनस फाइव डिवाइडेड बाय m प्लस n। अब आप इससे देखिए कि ये इससे सॉल्व करके देखिए, लेट अस सी दिस वन क्या निकल कर आता है, जीरो इंटू एम प्लस एन खत्म हो जाएगा तो बच जाएगा फाइव एम माइनस फाइव एन इज इक्वल टू जीरो, फाइव एम इज इक्वल टू फाइव एन, पांच से पांच कट गया, एम बाई एन इज इक्वल टू वन बाई वन, देख रहे हैं, तो ये रेशियो क्या निकल कर रहा है, वन इज टू वन रेशियो, हमें इसकी जरूरत भी नहीं पड़ी, इसकी जरूरत पड़ सकती है इफ यू फाइंड के ये एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, तो एक्स कोऑर्डिनेट एम और एन की जगह वन वन रख दीजिए तो ये क्या निकल कर आ जाएगा, दिस इज जैसे एम और एन का वैल्यू आप वन वन रखेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस थ्री बाई टू, ठीक है, तो यहाँ का कोऑर्डिनेट हो गया आपके पास माइनस थ्री बाई टू कॉमा जीरो, इस जीरो का, देखिए इस सवाल में जहां पे लिखा ना एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस लिखा है तो आपको क्या करना है, एक्स एक्सिस लिखा है तो आपको डेफिनेटली ये चीज को जीरो लेना है, यही आपको मदद करेगा, एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विल बी एक्स कॉमा जीरो। सिमिलरली अगर सवाल वाई एक्सिस के लिए होता तो वहां पर लेते जीरो कॉमा वाई, क्योंकि वाई एक्सिस पर एक्स कोऑर्डिनेट जीरो लेते। तो इस तरह से अब हमने आपको ये भी सवाल जो है, ये भी सवाल अब आपके सामने हमने बना के दिखा दिया, दैट इज क्वेश्चन नंबर पांच। देखिए कितना इजी तरीके से क्वेश्चंस बनते चला गया। अब आप बोलिए कौन सा सवाल लेना है, अब हम लेते हैं सवाल नंबर
9, नौ नंबर सवाल को लेते हैं। नौ नंबर सवाल को हम आपके तरफ सामने लेते हैं कि कैसे नौ नंबर सवाल को बनाएंगे आप। क्वेश्चन नंबर 9 में फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट नंबर 9, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट दिस एंड दिस इनटू फोर इक्वल पार्ट्स। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, फोर इक्वल पार्ट्स वाला जो है। इस सवाल को देखिए, पॉइंट दिए हुए हैं, एक पॉइंट ए है -2.2, एक पॉइंट आपका बी है वो क्या है 2.8। अब कहा जाता है कि इनको भैया ज्वाइन कर दो, ज्वाइन कर दिए दोनों पॉइंट। अब इसमें कहा जाता है कि ऐसे ऐसे पॉइंट्स निकालिए जो इस लाइन को चार भाग में बांटते हैं, यानी कि एक भाग, दो भाग, तीन भाग, चार, ठीक है। यानी कि P, Q, R पॉइंट्स को निकालना है सच दैट AP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू RB, ठीक है। तो ऐसे ऐसे सवाल को निकालना है और बहुत इजी है, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ आप बोलिए। लेट्स सी, कैन यू से इस सवाल को सॉल्व करने के लिए Q इज मिडिल पॉइंट ऑफ ए बी, क्या ये आप बोल सकते हैं? लेट अस सी दिस वन, क्या आप कह सकते हैं क्यू इज मिडिल पॉइंट ऑफ ए बी? तो आप क्यू का कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए, दिस प्लस दिस बाय टू, हो जाएगा, हो जाएगा ना। अगर ये हो जाता है क्यू का कोऑर्डिनेट कितना होगा, सिंपली -2 + 2/2 यानी कि 0 एंड 2 + 8 (10/2) दैट इज 5। कितना आसान है, क्यू का कोऑर्डिनेट हमने निकाल दिया। तो आप बोलिए दूसरा चीज, क्या आप ये नहीं कह सकते कि P क्या है, P इज मिडिल पॉइंट ऑफ AQ, क्या बोलेंगे हम लोग, P इज मिडिल पॉइंट ऑफ AQ, is it this? P is middle point of AQ. तो P का coordinate क्या होगा भाई? This plus this by 2, -2 + 0/1, this is -1, 2 + 5 (7/2. उसी तरह आप नहीं कह सकते Q और B के बीच में R है, R is middle point. अगर R middle point है तो R का coordinate निकाल सकते हैं, 0 + 2/2 that is 1. 5 + 8 (13/2, तो 1.13/2 सबके कोऑर्डिनेट निकल गए, कितना आसानी से निकल गए, सिंपल। तो इस तरह से हमने आपको ये सवाल भी बनाकर दिखा दिया कि आपको ये वाला 9 नंबर। तो अब आपके सवाल बचे कौन से, सोच के बहुत तकलीफ किया,
मैं आपको ले चलता हूं सवाल नंबर अः सवाल नंबर आठ, क्वेश्चन नंबर आठ पर ले चलता हूं। क्वेश्चन नंबर आठ क्या कहता है उसको पढ़िए। ए एंड बी टू पॉइंट्स हैं, ए एक पॉइंट है, दिस इज -2 -2, बी एक पॉइंट्स है 2, -4, ये पॉइंट्स। ओके, आपको कहा जाता है फाइंड द कोऑर्डिनेट पी, पी का कोऑर्डिनेट निकालिए। इसमें पी का कोऑर्डिनेट निकालना है एक्स वाई सच दैट एपी इज इक्वल टू 3/7 AB। ठीक है, एपी इज इक्वल टू 3/7 AB। ध्यान से देखिए क्या कहा जा रहा है कि एपी जो है एबी का 3/7 हिस्सा है। ठीक है, कितना है 3/7 हिस्सा है एपी, क्या है इसका 3/7 हिस्सा है एबी का। मतलब कहने का मतलब कि एबी को अगर 7 हिस्सों में बांट दिया जाता तो 3 हिस्सा ये है। एबी को अगर 7 हिस्सों में बांटा जाता 7 से, तो ये एपी अपने आप में 3 हिस्सा है। क्या आप इसे निकाल सकते हैं या कह सकते हैं आप कि बीपी इज इक्वल टू 4/7 AB? क्या आप कह सकते हैं? अगर कह सकते तो ठीक है, नहीं कह सकते तो मैं समझाऊंगा जो है कि ये हम कहना चाह रहे हैं कि 3:4 रेशियो में बटा हुआ है। कौन? पी एक ऐसा पॉइंट है जो इनको 3:4 रेशियो में बांट रहा है। तभी तो आप लिख रहे हैं आपके यहाँ पे कि AB बटा AB। इसे क्या लिखेंगे, इसे आप क्या लिखेंगे, AB AP बटा AB इज इक्वल टू 3/7, है ना लिखेंगे। ये 3 है, ये पूरा का पूरा 7 है, मतलब रेशियो में देखा जाए तो। उसी तरह आपका जो है अगर ये पूरा का पूरा 7 है और ये 3 है तो ये 4 है जो है। सिंपली जो है इसे आप कंक्लूजन ये ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये आपको 3:4 रेशियो में बस इतना ही दिमाग लगाना है। तो अगर ये 3:4 रेशियो में है तो एक्स का वैल्यू कितना होगा, सिंपली एक्स इज इक्वल टू 3 × 2 + 4 × −2 डिवाइडेड बाई 3 + 4, दिस इज 3 × 6 और यहाँ पे 8, −2/7। उसी तरह आप वाई का वैल्यू निकाल सकते हैं। वाई का वैल्यू निकालेंगे तो 4 × −8, इसको 3 × −12, तो −20/7 निकाल सकते हैं। 3 × −12, दिस −8, दिस −20/7, तो पी का कोऑर्डिनेट कितना आसान है। थोड़ा सा कंसेप्ट, बस थोड़ा सा कंसेप्ट ये था कि ये जो बात दिया हुआ था इसको आप ऐसे सोचते, अगर ऐसे सोचते तो आपको पता चल जाता कि ये वैल्यू 4 है। समझ रहे हैं, एपी डिवाइडेड बाई ए बी 3/7 है, अगर ये 3 है तो ये 7 है, 3:7 रेशियो, तो 3:4 रेशियो है ये। तो इस तरह से आप इस सवाल को बना दिए। तो अब हम ये आपको कहना चाह रहे थे कि इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 8